ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 16 दिसंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:34 हो रहा है। निफ्टी ऊपरी लेवल के ऊपर एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड कर रहा है, लगातार डोजी जैसा कैंडलस्टिक ये फॉर्म कर रहा है, यानी जहां पर ओपन हो रहा है उसी के पास आकर क्लोज हो रहा है। तो इनडिसिजिव पैटर्न हमें ऊपरी लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। अगर ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी जबरदस्त और भी बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये पिक्चर है एक कल का, यानी 15 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,571 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,486। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया और ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 13,470 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 13,452 ये भी अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला और जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट मिला तो फिर से इसने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,587 एग्जैक्ट अचीव हुआ। यहाँ पर ही निफ्टी इंडेक्स ने कल का हाई लगाया, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल भी साबित हुए। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। नासडैक ने कल फिर से रिकॉर्ड क्लोज हाई लगाया, 155 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर मिला जुला कारोबार काफी दिनों से चल रहा है। कल न्यूज आई थी कि यूके खासतौर पर लंदन में फिर से एक बार लॉकडाउन होने वाला है। 4 दिसंबर को लास्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था, अभी फिर से आज से वहां पर फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है। तो वहां पर थोड़ा सा एक अभी भी जो वैक्सीनेशन चल रहा है यूके में भी शुरू हुआ है, लेकिन यूरोप में खास तौर पर एक कमजोरी बाजार में साफ तौर से देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार देखें तो एसजेएक्स निफ्टी 68 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी देखें तो आज शायद वहाँ पर एक हल्की सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। रिकॉर्ड हाई लगाया था कल नासडैक ने, लेकिन डाउ फ्यूचर में देखें तो फ्लैट नोट के साथ कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट डेली चार्ट में दोनों भी अगर RSI देखे तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन में ये पहुँच चुका है, यानी ये जो RSI हमने प्लॉट किया है ये 7200 जो कि ओवरबॉट जोन माना जाता है उसके अंदर ये चला गया है। पास्ट में देखा है हमने कई बार कि जैसे ही ओवरबॉट जोन के पास जाता है या फिर इसके अंदर एंटर करता है ऊपर प्राइस एक्शन में एक गिरावट देखने को मिलती है। ये इस तरह से ये देखिए 70 के पास आते ही प्राइस एक्शन में एक गिरावट हमें देखने को मिलती है, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए लगातार 70 के अभाव यह ट्रेंड कर रहा है RSI, और ऊपर प्राइस एक्शन भी देखे तो वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, हायर आए हायर लोस के पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी ये कंटिन्यू अगर ऐसे ही रहा तो आने वाला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है 13,714। कल भी अगर डेली चार्ट में देखें तो डोजी लगभग डोजी जैसा इसने पैटर्न बनाया हुआ है, यानी जहाँ पर ओपन हुआ था उधर ही आके क्लोज हुआ है और ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा ये पैटर्न दिख रहा है। 50-50 दिख रहा है, लेकिन हल्की सी बॉडी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके लिए हम इसे डोजी कह नहीं सकते।
ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है क्योंकि नीचे काफी लंबा टेल छोड़ दिया, यानी यहाँ पर बियर्स का कंट्रोल जा चुका था और बुल्स ने फिर एक बार यहाँ पर पूरा जो ये कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रही है। ऐसे ही सेम कैंडल देखे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है ये एक ये दो। तो जैसे ही इसके हाई के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है और भी जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है। तो अभी अपसाइड ऊपर का ब्रेकआउट का लेवल हमारा बन सकता है ये लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी 13,700 के पास पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पर एक इस लेवल के पास हमने देखा है 13,550 के आसपास, ये अभी लगभग 5 दिनों से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये इस लेवल के पास ये साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रहा है। निफ्टी हमेशा जैसे ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है तो उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड करता है। फिर इसका अपसाइड लेवल और ये लोअर बैंड, ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड, ये जब तक ब्रेक ना हो टूवर्ड्स आइदर नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ तब तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जब से ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा ये ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिखा सकता है। और यहाँ से अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है लोअर बैंड को तो यहाँ से करेक्शन हमें गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पैटर्न है हर बार की तरह, इस टाइम भी यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न ऊपरी लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना काफ़ी बेहतर होगा। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कैसे ये अपसाइड मूवमेंट के बाद ये अभी साइडवेज में चला गया। लगातार 4 दिन से एक जोन में ये ट्रेंड कर रहा है। तो अभी ये जो ऑल टाइम हाई है यानी अराउंड 13,596, कल भी फेल हुआ था इसके ऊपर क्लोज होने में, तो 13,596 को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,613। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,630, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। हो सकता है निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हो, अगर गैप अप ओपन होता है और 13,630 के ऊपर सस्टेन करता है हाफ एन अर्ली चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,645, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है और सेकेंड टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो लास्ट अगर ये आर्ली चार्ट में 2 कैंडल्स देखे तो ऊपर इन्होंने काफ़ी टेल छोड़ दिया है कंपेयर टू बॉडी। तो यहाँ पर ये जो लो बन रहा है इस कैंडल का, जहाँ पर बुल्स ने अपना कंट्रोल लास्ट कैंडल में खो दिया था, तो इसका लो यानी 13,545 अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 15,531, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन, जो कि आप 20 AMA की ये पिंक लाइन देख रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट का काम करती है कई बार, तो 13,515 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।